ओम शांति। चिराचरित प्रथा अनुजाई प्रथमे समस्तंको ईश्वरीय शुभ अभिनंदन जनाई मु पुणि थरे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा वस्तु उपरे आध्यात्मिक आलोकपात करिवार उद्देश्य रखिबी, जद्वारा आममानंकर परस्पर आध्यात्मिक भावना जाग्रत हेब एवं किछि अटल सत्य मध्य उन्मोचन होई पारिब। मनीष जानिछे जे मृत्यु परे केही भी किछि साथीरे नै जाइ पारिबे नाही, चाहे किए केते बड़ धनी मानी प्रतिपत्तिशाली ज्ञानी व्यक्तित्वर अधिकारी हेई थाउ पछे, केवल साथीरे कर्मर हिसाब किताब ही जाय थाए। तथापि मनुष्य सबु किछि सहित एपरि भावे छंदी ही जाय छि जे सेथिरु मुकुलिबा असंभव। एहार मूल कारण हेउछि देहर अहंकार बा देहर अभिमान एवं आत्मिक विस्मृति, जद्वारा समस्त प्रकारर विकार यथा काम क्रोध लोभ मोह आउ अहंकारर वशीभूत होई जानी जानी अपकर्म विकर्म सब करि चालिछि। वर्तमान एई जीवनर कौनसी ग्यारंटी नाही, केउ मुहूर्तरे भी एहा चली जाय पारे। सेथि पई यथार्थ रे कुहा जाय छे, कहार राजा खाइबो, कहार चोर लुटि नेबो, कहार माटी रे मिसि जीवो, किंतु सफल हेबो तार जे सबु किछि ईश्वरीय सेवारे आत्मिक सेवारे सारा विश्वर कल्याण पई विनियोग करिवो। मनीष सहजरे किभली सफलता को प्राप्त करी परिवो, सेथी पाई नानादि अपकर्म एवं अपमिश्रण सबु किछिर सहायता नहीं थाए। वर्तमान समय रे सबु ओलटा कर्म करी चली छे, केवल नाम मान सान प्राप्ति पाई, किंतु एहा द्वारा जेति कि से सफलता प्राप्त करुछि बा संपन्न हेउछि, वर्तमान समय रे मध्य तार ढेर गुणा से पश्चाताप करिवा सहित लांछित भर्षित मध्य हेउछि। कारण एहा असत्य मार्ग, साधुटीए साधना करी थाए सिद्धि प्राप्त करिवा पाई, यदि से केवल चिंता करिवो जे केवल भगवान के परि सहजरे आसंतु कहा माध्यमरे हेउ बा किछि पूजा उपचार माध्यमरे हेउ, मोते किंतु सिद्धि प्राप्त दरकार, एहा कौन संभव, सेथिपाई साधनार आवश्यकता रहिछि, जहा मध्य साधु माने वर्ष वर्ष धरी करि आसुछन्ति। ठीक सही भली प्रत्येक कार्यरे यदि निष्ठा सच्चोटता एवं एकाग्रतार सहित कर्तव्य करा जाए तेबे सेथिरे सिद्धि प्राप्त हेबा असंभव नुहे। जहा गीतार महावाक्य अनुसारे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सही अनुसारे भगवान वर्तमान एई कलिजुगर अंतिम समय रे अवतरित होई एही वास्तविकतार ज्ञान प्रदान करिबा सहित
सारा विश्ववासी को आत्मिक परिचय आत्मिक ज्ञान प्रदान करने सहित निजर वास्तविक परिचय मध्य प्रदान करुछंती जद्वारा सारा विश्ववासी निजर वास्तविक स्वरूप को जानी सही अनुसारे कार्य करी बा परमात्मांकर श्रीमत अनुसारे कार्य करी पुनः आदि युग बा सत्य युग दैवी दुनियार मालिक हेइ परिबे सारा विश्ववासी ज्ञानदाता बरदाता निराकार परमात्मा पिता वर्तमान निजर ज्ञानी तो आत्मा संतान मानंकु देखुछंती। प्रत्येक संतान ज्ञान स्वरूप एवं जोगयुक्त केते परिमाण रे हेलेनी केवल ज्ञान को शुणिबारे एवं शुणिबारे निमित्त हेउछंती ना ज्ञानर स्वरूप हेलेनी ताहा देखुछंती। सदा जोगी जीवन अर्थात प्रत्येक कर्मरे जोगयुक्त युक्तियुक्त स्वतः एवं सदाकालर जोगी हेलेनी ना नाही ताहा मध्य देखुछंती। तेबे ज्ञान स्वरूप हेबा अर्थात प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्म समर्थ होइथिबो व्यर्थ संपूर्ण समाप्त होइ जाइथिबो जेपरी प्रकाश एवं अंधकार एकाठी रही पारि न थाए तेणु वर्तमान समय रे भगवान केहु कहुछंती तुम संतान माननकु व्यर्थ को समाप्त करिवा पाई विशेष ध्यान देवा को हेबो। संकल्प रूपी मंजी को समर्थ करिवा को हेबो यहा द्वारा वाणी एवं कर्म तथा संबंध सहजरे समर्थ होइजिवो। निजर संस्कार को परिवर्तन करिवा पाई जोगर प्रयोग करिवा आवश्यक कारण तुम संगम जुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण संतान मानंकर श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार रचना करिवार मूलदुआ अटे। प्रयोगी आत्मा मानंकर प्रथम लक्षण हेउछि निजर संस्कार उपरे सदा विजय प्राप्त करिवार। द्वितीय लक्षण हेउछि प्रकृति द्वारा आसुथिबा परिस्थिति गुड़ी को उपरे सदा विजयी। प्रकृतिर मालिक मानंको उपरे प्रकृति प्रभाव जपरी न पकौ सेथिप्रति ध्यान देवा आवश्यक। तृतीय लक्षण हैला विकार गुड़ी को उपरे विजय प्राप्त करिबा जहाद्वारा सारा विश्व उपरे राजत्व करिवार अधिकार प्राप्त होइजिवो। ताहा पुणी साधारण विश्व नुहे नूतन सत्ययुगी स्वर्ग राज्यर जहार स्मारकी रूपरे ब्रह्मा बाबांकर अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूपंकर गळारे विषधर सर्प को देखा जाइछि। विषधर सर्प माने तांको पाखरे बस होई रही छंती जहांकर एही स्वरूपर आज पर्यंत मध्य गायन एवं पूजन हेउछि। एही भली सर्वदा जोगर विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करुथिबा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ रे परिणत करुथिबा मायाजित प्रकृतिजित ज्ञान स्वरूप जोगयुक्त आत्मा माने ही सहजरे सर्वसिद्धि को प्राप्त करिथान्ति। भगवान वरदान देउछन्ति कि उड़ीबार कला द्वारा बाबांको समान ऑलराउंड अर्थात सब प्रकार पाठ करिबा वाला चक्रवर्ती हुआ।
ଏପରି ନିର୍ବନ୍ଧନ ରୁହ ଯେପରି ଯେଉଁଠାରେ ବି ସେବା ହେଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପରସ୍ପରର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ସଂଗଠନ ଏକମତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।